दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस का मसीही त्यौहार पूरे जोशो खरूज से मनाया जाता है। पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने कयाम पाकिस्तान के वक्त अपनी एक तकरीर में तमाम मजाहिब के पैरोकारों की मजहबी आजादी का ऐलान किया था। आप सब आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस मम्लिकत पाकिस्तान में। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, मम्लिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। जिसका अमली नमूना हमें हर साल 25 दिसंबर के दिन भरपूर अंदाज में देखने को मिलता है। इस दिन ना सिर्फ बानी पाकिस्तान का योम पैदाइश मिली जोश और जज्बे से मनाया जाता है, बल्कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी भी पूरी आजादी के साथ क्रिसमस का त्यौहार और न्यू ईयर की खुशियां मनाती दिखाई देती है। अंग्रेजी लफ्ज क्रिसमस क्राइस्ट से माखूज है, जिसके लुगवी मानी आसमानी और रूहानी बादशाह और मसीहा के हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 25 दिसंबर को यीशु मसीह के योम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है और इस खुशी के मौका पर बहुत सी जगहों पर बरकी कमकमों और मुख्तलिफ सजावटी अशिया से मुजयन क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। क्रिसमस ट्री क्यों और कैसे सजाए जाते हैं और इसका क्रिसमस से क्या ताल्लुक है? आजकल मुख्तलिफ मॉल्स में भी हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री सजाया जाता है और इसकी एक बड़ी ही खूबसूरत इसका मतलब है और एक बड़ी ही खूबसूरत ट्रेडिशन है। 16वीं सदी में बताया जाता है कि जो रेफॉर्मेशन के पायनियर हैं मार्टिन लूथर, जब वो एक शाम दिसंबर में अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस की इबादत के बाद घर आए तो रास्ते में उन्होंने देखा कि पाइन्स के दरख्त थे और उनमें से चांद और सितारों की बड़ी खूबसूरत लाइट्स उनमें से रिफ्लेक्ट हो रही थी। उनके बच्चों को इन सारी चीज़ों ने बहुत इंस्पायर किया और घर आकर बच्चों ने जो घर में मौजूद ट्री थे उनको लाइट्स के साथ सजाया और यूं बताया ये जाता है कि फिर पूरी दुनिया में इस तरीके से क्रिसमस ट्री की जो रवायत थी वो शुरू हुई। इसके कुछ रूहानी मतलब भी हैं। क्रिसमस ट्री आमतौर पर पाइन ट्री, जो कि एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन दरख्त है, हमेशा की जिंदगी को वो डिपिक्ट करता है। क्रिसमस की खुशियां मनाने की तकरीबात का आगाज क्रिसमस इवनिंग से ही शुरू हो जाता है। इस रात गिरजाघरों में मसीही ब्रादरी के लिए इबादत और मुनाजात का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिनके आखिर में यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी में केक कटिंग की तकरीबात मुनक्त की जाती हैं। क्रिसमस के मौका पर तकरीबन तमाम मसीही अपने घरों को सजाते हैं और लजीज पकवान और हलवाजात पकाते हैं। क्रिसमस के मौका पर एक किरदार सेंटा क्लॉज भी होता है, जो मसीही कम्युनिटी में खास तौर पर मसीही और गैर मसीही बच्चों को तहाइफ देता दिखाई देता है। सेंटा क्लॉज हम देखते हैं कि 4वीं सदी में ये ट्रेडिशन शुरू हुई। बताया जाता है कि सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस एक बहुत अमीर शख्स था। जब इसने लोगों की गुरबत को देखा तो इसने उनकी मदद करना शुरू की और एक इनके साथ रवायत है कि एक दफ़ा उन्होंने दो बहनों को और माँ को बातचीत करते सुना जिनकी शादी थी और उनके पास कुछ भी नहीं था शादी में करने के लिए। तो जब सेंट निकोलस ने इस सारी बातचीत को सुना तो वो चुपके से गए और उनके घर में वाफर मिकदार में कुछ सामान और फिर कुछ पैसा उनको उनके घर में रख कर आ गए और यूँ फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंटा क्लॉज क्रिसमस के ख़ास मौके पर आता है और वो गिफ्ट्स तकसीम करता है और मुफ्त वो देता है। क्रिसमस के मौका पर तमाम छोटे बड़े चर्चेज में कैंडल लाइट का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। ये एहतमाम क्रिसमस से 4 हफ्ते कबल किया जाता है, जिसे एडवेंट सीजन भी कहा जाता है। इस सीजन में 5 मुख्तलिफ रंगों पर मबनी कैंडल्स जलाई जाती हैं, जिनमें हर रंग की एक अपनी रूहानी पहचान है।
कलामे मुकद्दस का हिस्सा पढ़ा जाता है, उसी के मुताबिक फिर गीत या कैरल गाई जाती है। इसमें पूरी क्रिसमस की स्टोरी आती है, जो पेशन गोइयाँ खुदावन यसु मसीह की पैदाइश के बारे में पुराने अहतामा में अंबिया की कुतुब में हुई उनके बारे में, और फिर जो उनकी पैदाइश, फिर जो मजूसी आए, उन्होंने सिजदा किया, उनका सितारा देखा गया। तो ये नाई बड़ी पॉपुलर है, और कैंडल्स इसलिए जलाते हैं कि यसु मसीह ने फरमाया कि वो दुनिया का नूर है, वो रोशनी देने के लिए आए, वो रोशनी जो हर इंसान के अंदर है वही देता है, वही है। तो वो उसकी एक सिंबलिज्म है। क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से एक रात कबल तमाम चर्चेज में इबादत की जाती हैं और गीत भी गाए जाते हैं। अपने गले की कते रखवाली गडरिये बारी बारी जो ते पास। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान क्रिसमस स्पेशल। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक खूबसूरत और शानदार रोमन कैथोलिक कैथीड्रल सेक्रेड हार्ट पैरिश में। व्यूअर्स, सेक्रेड हार्ट पैरिश का ताल्लुक रोमन कैथोलिक चर्च से है, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग आते हैं और अपनी क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और इबादत में शामिल होते हैं। आइए हम यहाँ के कॉन्ग्रीगेंट से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम नोमी अनवर है जी। मेरा छोटा सा गाड़ियों का बिज़नेस है, ठीक है। हम आज क्रिसमस का त्यौहार मनाने रीगल चर्च में आए हैं। तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से तमाम मुस्लिम भाइयों को ढेर सारा क्रिसमस मुबारक हो। ये दिन खुशियों का दिन होता है, इसमें हम दूसरे मुसलमान भाइयों को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, वो हमें देते हैं। ये एक भाईचारे का दिन है, और सबसे आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा हमेशा सलामत रखे। थैंक यू जी। Morning everybody, my name is Saba Zaheer and by profession I'm a banker. It's Christmas today and we are celebrating Christmas all over the world. The Christmas is being celebrated on the birth of the savior of the world. It's the universal truth that Jesus is born to save everybody, everyone in the universe, not human but everything, everyone, every single creature that God has created. And on my behalf, I just want to wish everybody in Pakistan a very, very happy Christmas. The green, we are representing the green flags, so that it's fun being here. And I wish all the people great blessings in the world. All our Muslim community, all our Hindu community, Sikh community, everybody living in Pakistan. Merry Christmas to everyone. Dr. Kurutale Navza Gartner, and I've done my PhD from Punjab University and postdoc from abroad. Or I'm celebrating Christmas here with my friends and colleagues.
और आप सबको मैं बहुत 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 मैरी क्रिसमस विश करना चाहती हूँ एंड अ हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में. सो क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्रिसमस हम बेसिकली इसलिए मनाते हैं, वी विश मैरी क्रिसमस. मैरी का मतलब होता है MERRY, मैरी का मतलब होता है खुशी. क्रिसमस मीन्स विलादत यीशु मसीह की. सो हम लोग यीशु मसीह की खुशी की विलादत मनाते हैं इस पूरी दुनिया में. इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन फेस्टिवल, इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड एवरीवेयर. सो आप सब भी मेरे साथ इस फेस्टिविटी को मनाएं और खुशी से मनाएं और खुशी बिखेरें. जो आप लोगों से चाहते हैं खुश होना, आप भी खुशी लोगों को देंगे तो वो भी आपको मौसूल होगी. क्रिसमस एक ऐसी खुशी है जो कोई भी मनाए बगैर नहीं रह सकता. हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्च के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्ग्रीगेंट और इस अलालत की हालत में भी वो यहाँ क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं. आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ किस लिए आए हैं. क्रिसमस मनाने और क्रिसमस मनाने और ये रौनक है क्रिसमस की, ये देखने के लिए कितने लोग शौक से मनाते हैं क्रिसमस. तो दिल खुश होता है देख के ये लोग अभी यीशु को याद रखे हुए हैं. तो सारा फिर यीशु की ही पैरोकार रहेंगे और उनको आप क्रिसमस मनाते रहेंगे और खुशियाँ मनाते रहेंगे और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तो इसे खुदा बरकत देगा. आपका बहुत शुक्रिया आप इतने अच्छे ख्याल के साथ क्रिसमस मनाने के लिए. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. हैप्पी मैरी क्रिसमस. What is your name? My name is Dr. Andrew Omame from Nigeria. So when did you come to Pakistan? We came to Pakistan since November last year. Since November 2021. So why are you here in the Cathedral of Sacred Heart Church? We came here for Christmas with my family. We came here for Christmas. So today is a very joyful day, so we came to be with the Lord, to thank God for life and to celebrate also Christmas. Thank you so much for being here and celebrating a wonderful Christmas. मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जैकलिन विलियम है और हम यहाँ पे सब क्रिसमस की खुशियों के लिए सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है कि हम सेफली फील करके यहाँ पे आए हैं अपनी इबादत अटेंड करने के लिए. और इस साल हमें हर तरह की सहूलत मिल रही है यहाँ पे और बहुत सेफली फील कर रहे हैं. और आप सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से क्रिसमस विश करना चाहती हूँ. विश यू वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी क्रिसमस की सेलिब्रेशन सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में. आइए आपको लेकर चलते हैं लाहौर के एक और तारीखी जाज़बे नज़र और सबसे बड़े कैथीड्रल, कैथीड्रल ऑफ द रेजरेक्शन मॉल लाहौर में. उसमें हम आपको दिखाते हैं कि वो अपने क्रिसमस की खुशियां कैसे मना रहे हैं.
अभी हम मौजूद हैं लाहौर डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर्स कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन में, जहां पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहां के कॉन्ग्रीगेंट्स क्रिसमस की खुशियां कैसे मनाते हैं। आइए इस खूबसूरत चर्च में लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी खुशियाँ एक दूसरे से शेयर करते हैं। Of Cathedral Church, and today I have come to do the Christmas service, and I also see the all programs of Discover Pakistan, and I wish you all a happy Christmas. Thank you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ आमना आदिल और मैं स्टूडेंट हूँ सोशियोलॉजी की। एंड अबाउट दैट के आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू एवरी वन, नॉट ओनली जस्ट क्रिश्चियंस बट एवरी वन, बिकॉज मेरे ख्याल में जो भी इबादत गाहें होती हैं वो खुदा तक पहुँचने का एक रास्ता होती हैं, और फ्रॉम ऑल दीज यू नो प्रेयर्स वी have some spiritual attachment, or whether if it's a mandir or a church or any you know religious place, hame ek religious factor milta hai, ek spirituality milti hai, and for that spiritual factor I come to every you know ritual. Being a Muslim, I really really respect the Christians and the rituals, and it's really really beautiful to see everything. मेरा नाम पादरी इमरान सैमुअल है और मैं कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिजरेक्शन में मावन पादरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम देता हूँ। कैथीड्रल चर्च जो कि पाकिस्तान में एक नमाया खुदा का घर है, यहाँ पर मुख्तलिफ मकतबे फिक्र से लोग आते हैं और हम यहाँ पर एक इंटरफेथ हारमोनी को भी सेलिब्रेट भी करते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ मकतबे फिक्र के लोग चर्च में भी आते हैं और हम मंदिर व मसाजिद में भी उनके साथ उनकी खुशियों में उनके गमों में शामिल होते हैं, और यही इंटरफेथ हारमोनी की सबसे खूबसूरत बात है कि हम मिलजुल कर अपनी खुशियों और गमियों को साथ साथ बांटते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि कैथीड्रल चर्च जो कि एक तारीखी चर्च है और इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आते हैं और अपने थीसिस को भी यहाँ पर लिखते हैं, और हमारे साथ टाइम तो उनका मुख्तसर होता है लेकिन जब वो इस चर्च की डिटेल्स को देखते हैं, इसकी तारीखी नुक्ता नज़र से देखते हैं, तो वो बहुत सा अपना वक्त यहाँ पर सर्व करते हैं क्योंकि ये तारीख का एक लाजवाल शाहकार है। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्रिसमस अमन और सलामती का पैगाम लेके आता है।
My name is Michael, and I'm the member of this church, Cathedral Church, the Church of Resurrection. And today we are celebrating Christmas. This is an event that is celebrated all over the world because an event took place in the past, and that was when Jesus Christ was born. And that was the greatest thing for the humanity to take place, because we all came under grace of God through Jesus Christ. I'm very grateful to the Pakistani government, Pakistani officials, all those who are taking care of the minorities here, and all those who provided security to this church and to the Christians on this auspicious occasion. Thank you very much. Hi, this is Amanu Rubab, and I work as an assistant professor English. So a happy Christmas to everyone, and I'd like to tell that Christmas is all about the celebration of Jesus Christ, and that's when we celebrate the fact that he came to the world and he restored his relationship with mankind. So Christmas is all about peace. Thank you. Hello everybody, my name is Zoe, and I want to tell you the real spirit of Christmas. The real spirit of Christmas is friends and family all together. And I want to tell you a story of bad angel and good angel. Do you know why the bad angel throws people on bad mountains? People in hell. He is a bad person, and he and the person go on fire, and the bad people go in hell. And the good angel take care of everybody. Yeah. And the angels are so good, and they love people. मेरा नाम लुबना अरशद है और मैं कैथेड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन की मेंबर हूँ, और हम क्रिसमस की इबादत करने के लिए यहाँ पर आए थे, और हम क्रिसमस बिल्कुल उसी तरीके से मनाते हैं जैसे बाकी लोग ईद मनाते हैं अपने घरों में. हमारा कुछ सिस्टम इस तरह होता है कि मतलब हम लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं. क्लीसिया में मुख्तलिफ किस्म के इबादत होती हैं जिसमें कैरल सर्विसेज होती हैं. घरों में एक दूसरे को इन्वाइट किया जाता है, कैरल्स किए जाते हैं, और उसके बाद खाने रवायती खाने जो हैं हमारे वो बनाए जाते हैं, और क्रिसमस ट्री और डेकोरेशंस वगैरह पे मतलब फोकस किया जाता है. जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान क्रिसमस स्पेशल. उम्मीद करते हैं कि आपने क्रिसमस की तकरीबात को देखकर काफी मालूमात हासिल की होगी. अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज. Keep watching Discover Pakistan, सबसे प्यारा पाकिस्तान.